फ्रेंड्स, आज मैं बटर मसाला पनीर बनाई थी, उसको दिखा रही हूँ आपको। काफ़ी टेस्टी बने थे, ढाबा स्टाइल में बना था, काफ़ी इजी, बहुत जल्दी बना था। अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं कैसे बनाई थी। मैं प्याज कट करके रख ली थी, अब पहले मैं पनीर को भी कट करके रख ली थी। अब मैं पनीर को थोड़ा सा ना हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं। उसके लिए मैं, आप बटर भी यहाँ डाल के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं बटर थोड़ा सा कम मैं ऑलिव ऑयल में ही बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड को भी खाना था। बटर मैं लास्ट में थोड़ा सा डालूंगी। सो इसमें मैं पनीर को फ्राई करूंगी। ऑयल को पूरे चारों तरफ में मिला दी और मैं इसमें डाल दी, और धीमी आंच पे थोड़ा सा सेमी। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और नमक भी डाल सकते हैं फ्राई करने से पहले। मैंने ही डाली थी, मैं ऐसे सिंपल ही फ्राई की थी इसे अच्छी तरीके से, ज़्यादा नहीं, लाइट ही करना है, लाइट फ्राई। फिर मैं सबको निकाल लूँगी। अब मैं इसमें हल्का सा ऑयल डालूंगी, आधी चम्मच, छोटी चम्मच से आधी चम्मच। और अब मैं इसमें डालूंगी तड़के में, देखिए क्या, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, 5-6 काली मिर्च भी थी, और 2 तेज़पत्ता। ये सबको मैं डाल के, देखिए ये मेरा फ्राई हो गया है, तड़के का रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, हमारा प्याज, ये 2 प्याज था, मैं कट करके रफली चॉप करके रखी थी मैं। अब इसे थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। ये जब तक फ्राई हो रहा है तब तक मैं टमाटर को कट कर ली हूँ, 2 टमाटर मैं ली हूँ, इसे भी मैं रफ चॉप कर ली हूँ। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। मैं साबुत गरम मसाला ही सारा डाली हूँ आज, मैं अलग से गरम मसाला अब नहीं डालूंगी इस सब्ज़ी में। अब मैं टमाटर भी इसमें डाल दूँगी, इसे भी थोड़ा फ्राई करूँगी। ये हमारा फ्राई हो रहा है, ये हमारा काजू है, 7 पीस था, और ये हमारा अखरोट है, मैं काजू और अखरोट इसमें डाली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी गलने के लिए। ये फ्राई हो चुका है, नमक डाल के और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी, थोड़ा सा ये पानी डाल दी। अब मैं इसे ढक दूंगी, ढक के थोड़ा पका लूंगी, जब ये पूरा पक जाएगा फिर मैं आगे का प्रोसेस करूंगी। फ्रेंड्स, काफ़ी इजी होती है ये वाली सब्जी, मसाला पनीर बनाना बहुत इजी। देखिए हमारा हो चुका है, मैं गैस को ऑफ कर दी। अब मैं इसे उतार लेती हूँ, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, फिर मैं इसे जार में डाल के पीस दूँगी। काफ़ी टेस्टी बनी थी और बहुत जल्दी बनी थी, बच्चों को पसंद आया था ये सब्ज़ी। सो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। देखिए ये हमारा पीसने के बाद, इसे पीसेंगे फिर छानेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे गरम मसाला ऐसा है जो कि बच्चों के मुंह में जाएगा तो बच्चे नहीं उसे लाइक करेंगे, इसलिए। देखिए अब मैं इसे पूरा छान लूँगी छन्नी से, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा, तब मैं बनाऊंगी इसमें सब्जी। ये मेरा रात का डिनर था, बच्चों को पसंद आया था ये सब्जी। सो आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा, काफ़ी इजी है, देखिए काफ़ी अच्छा बना था। अब मैं पूरा छान ली, मैं अभी ये फेंक दूंगी। चाहे तो फिर दोबारा भी मिक्सी में डाल के इसे पीस सकते हैं, लेकिन मैं नहीं अभी से पीसूँगी, हो गया है मेरा बहुत। अब मैं बना लूँगी सब्जी, उसके लिए हमने गैस को ऑन किया, आधी चम्मच ऑयल डाली हूँ और ये 1/2 चम्मच बटर, बटर मसाला पनीर इतने में बन जाएगा और काफ़ी टेस्टी, क्योंकि इसमें काजू और अखरोट भी पड़ा हुआ है। थोड़ा सा जीरा डाल दी तड़के में,
अब मैं इसमें एक छोटा सा प्याज को ना छोटे छोटे क्यूब में कट करके रखे थे इसे मैं डाल दी। अब मैं इसे अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। ये हमारा ये प्याज ना फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डालूँगी। ये हमारा धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। बस अब इसे मैं फ्राई कर लूँगी। अब ये भून रहा है, इसमें ऑयल कम है इसलिए ऐसा लग रहा है, तो अब मैं डायरेक्ट ये डाल दूँगी क्योंकि इसे भी तो फ्राई करना है। ये तो ऑलरेडी फ्राई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसे मसाले को और फ्राई करेंगे जब तक ऑयल ना निकलने लगे इससे। अब इसे हम कम आँच करके 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे मसाला को। देखिए ये हमारा मसाला भून चुका है लगभग। इसको ढक ढक के अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। ये हमारे एक तरह से समझिए तो ग्रेवी भी रेडी हो रहा है, और ग्रेवी आपके ऊपर है आपको कितना रखना है। इसमें आप पानी डाल के इसका ग्रेवी ज़्यादा बना सकते हैं, और बाकी मैं तो ज़्यादा नहीं रखी थी क्योंकि रोटी के साथ खाना था। मैं पनीर डाल दी, ये मसाला रेडी हो चुका है, तो अब आप यहाँ पे पानी डाल सकते हैं ग्रेवी के लिए। मैं भी थोड़ा सा डाली थी, छोटी कटोरी से थोड़ी सी डाली थी क्योंकि इसमें अब 1 से 2 उबाल आएगा तब मैं बंद करूँगी, तो इसीलिए। अब इसे ढक के फ्रेंड्स, मैं रोटी के साथ बनाई थी, आप इसे नान के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत अच्छी बनी थी ये सब्ज़ी। हमारे बच्चे तो रोटी के साथ, मैं रोटी में बटर लगा के उनको दी थी, बहुत अच्छे से खाए। ये थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया है। मेरा सब्ज़ी ये रेडी हो चुका है। सो देखिए फ्रेंड्स, थैंक यू।